तो बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूं डॉक्टर ललित, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और आगे बढ़ा दो दोस्तों के पास, जिससे उन्हें भी सीखने का मौका मिले। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल किस तरह से आपके सामने आते हैं, किस तरह से आप सवालों को सीखते हैं। तो पहला सवाल मैं आपके समक्ष ला रहा हूं, बहुत ही सिंपल सवाल है जिसको आप हलवा प्रश्न के नाम से जानते हैं, इजी प्रश्न होगा। मैं चाहूंगा इस इजी प्रश्न का इजी सा उत्तर आप लोग दें। 14/33, 42/55, 21/22 का एच सी एफ क्या होगा? व्हाट वुड बी द एच सी एफ ऑफ दीज नंबर्स? फ्रैक्शन दिया है आपके सामने और फ्रैक्शन के आधार पर आपको सवाल का जवाब देना है। तो देखते हैं फ्रैक्शन के आधार पर आप सवाल का कौन सा जवाब मुझे देते हैं। 14/33, 42/55, 21/22 का मैं से क्या होगा? अब देखो, ये मैंने आपको बहुत पहले बताया है कि अगर आप भिन्न की बात कर रहे हैं, यानी आप फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन का जब भी आप एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, फ्रैक्शन का एचसीएफ और फ्रैक्शन का एलसीएम, तो ये क्या होता है, फ्रैक्शन में एनआर यानी अंश ऊपर होता है उसका एचसीएफ बटे नीचे वाले का डीआर का एलसीएम, यानी अंश का एचसीएफ हर का एलसीएम। इसकी बात करते हैं तो फ्रैक्शन का अगर एलसीएम निकालते हैं तो एनआर का एलसीएम अपॉन डीआर का एचसीएफ, यानी एनआर को क्या बोलते हैं, अंश, इसको क्या बोलते हैं, हर। ओके, क्लियर, इसको बोलते हैं हर। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को भी दिक्कत हो तो यू कैन आस्क योर क्वेरी। ओके, चलिए, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है आपको तो ठीक है। तो अब जिसका हमें अगर एचसीएफ निकालना है भिन्न का, तो ऊपर वाले का एचसीएफ, हमें एलसीएम निकालना है तो अपर वाली वैल्यू यानी अंश का हमेशा वही निकलेगा जो आप फाइंड आउट करोगे। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? समझ में आ गई ना कहानी? चलिए, बहुत बढ़िया है। तो अब इस सवाल का जवाब क्या निकालें? सवाल को आप समझ गए, अब क्या करना है, यानी मीनिंग था सवाल का क्या? ओके, समझते हैं साहब, मीनिंग बड़ा आसान था। मीनिंग था 14/33, 42/55 और 21/22। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बेस पर आपको चीजों को समझना था। ओके, तो यहां पर क्या समझते हैं, चलो देख लेते हैं। आप एचसीएफ की बात करें, इसका मतलब क्या, ऊपर वाली भिन्न का क्या निकलेगा, एचसीएफ, और नीचे वाली भिन्न का क्या निकलेगा, एलसीएम। ये तो करोगे तो भाई 14, 42 और 21 का एचसीएफ क्या होगा, 7। सात ही लोगों, 7, 3, 21, 7, 2, 14, 7, 6, 42 और नीचे का देगा 33, 22, 11 के मल्टीपल है 55 और 5, 2, 10, 30, 30, 300, 23। तो राइट ऑप्शन क्या आना चाहिए, 7/330। इज इट क्लियर नाउ? समझ में आ गई बात भी, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है साहब? आगे बढ़ जाऊं? ओके, नए क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं आपका नया सवाल क्या होगा। आपको समझ में आ गया होगा। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइज, ये रहा, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू बताओ कितना होगा। तो देखते हैं इसका जवाब भी क्या मिलता है आपकी तरफ से। x प्लस 1/x, रात ही मैंने इसको पढ़ाया है आप लोगों को कि भाई अगर एल्जेब्रा में कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू कैसे निकालोगे। तो जनरली अगर मैं इसको बेसिक तरीके से कराऊं तो कुछ इस तरह से करेंगे आप, एक्स प्लस 1/x बराबर 2 है तो आप दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, यानी क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 × x × 1/x इज इक्वल टू 4। अब ऐसे तो ये कट गया, अब इसका वैल्यू निकालें, दो को उधर भेज दें तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 4 माइनस का 2 इज इक्वल टू 2। Is it clear? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू भी कितना होगा, 2 ही होगा, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्ट भी बताए थे, डायरेक्ट कैसे करते हैं उसको भी देखो, कैसे करते हैं डायरेक्ट। अगर एक्स प्लस 1/x आपको दिया है 2 और आपसे ये वाला वैल्यू पूछा जाए तो बस इस नंबर का वर्ग करके इसमें से प्लस है ना, तो प्लस की जगह माइनस लगाना, फिक्स है, 2 कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया एक्स माइनस 1/x = 2 और आपसे पूछा जाए इसका वैल्यू, तो क्या करेंगे, बस अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर और यहाँ माइनस, तो माइनस की जगह प्लस कर देंगे, 2 का रहेगा 2 ही, स्क्वायर में 2 ही प्लस करना, 2 ही माइनस करना, तो 2 × 4 − 2 = 2, 2 × 4 + 2 = 6। बात समझ में आ गई? तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा आपको,
ओके, वेरी नाइस। अब आगे बढ़े तो एक सवाल और आपके स्क्रीन पर रखता हूं और चाहूंगा जवाब मिले आपका तेजी के साथ। ओके भैया, क्लियर हो गया सवाल। एक और सवाल देख लेते हैं, जब आपने इतना कहा है तो वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन है, किसी आयत की 10%, ओके, किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने पर, इसकी चौड़ाई में 20% की कमी करने पर, इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ओके, लेट्स सी। आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने पर तथा इसकी चौड़ाई में 20% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए 32%, बी 12%, सी 15% या 12% की कमी। तो चार ऑप्शन यहां पर दे दिए गए हैं और मैं पूछूंगा आपका जवाब क्या आता है। ओके ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर, ट्राई टू डू, देखते हैं जवाब क्या ओके मिला है। ओके, ओके भाई, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का यहां पर। लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर। वेट कर रहे हैं आपके आंसर का, इतना टाइम हुआ है कोई उत्तर देने को तैयार नहीं, क्या बात है भाई। चलो देख लेते हैं। तो देखो, समझो, मैंने आपको बताया था इसको बेसिक से मत करना। अगर आप बेसिक से जाओगे, माना आपने इसकी लंबाई एल मानी, चौड़ाई, तो नया वाला क्या बना? नया वाला क्या बना? आपने कहा सर नया वाला क्या बना? आपने कहा कि भाई नया वाला बना एल बी, 10% की वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो। तो एल क्या बना? एल बना एल प्लस का एल इंटू एल का 10%, और चौड़ाई क्या हुई? योगी बी माइनस बी का 20%। अब ऐसे करोगे तो ये तो बहुत टाइम लेगा, आपसे सॉल्व भी नहीं हो पाएगा और ये आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। तो हम ऐसा काम क्यों करें? हम सवाल को सीधा समझे ना, सीधा करें ना, कैसे इजीली कर सकते हैं ना। तो क्या करें, हम लगाएं, मैंने आपको पहले भी बताया था, यू कैन इम्प्लाई दी इफेक्टिव परसेंटेज मेथड। इफेक्टिव परसेंटेज इज वॉट? यानी आपने इफेक्टिव परसेंटेज लगाया ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 आपने अप्लाई किया, तो क्या बना? आपने कहा कि ए क्या है, मैंने बताया था ना, अगर वो वृद्धि कर रहा है तो प्लस का वैल्यू है, अगर कमी हो रही है तो माइनस का वैल्यू है। बस पुट कर दो, 10 माइनस का 20 प्लस 10 गुणा माइनस का 20 बटा 100। ओके, 0 0 0 0 माइनस का 10 माइनस का 2 माइनस का 12, और माइनस क्या शो करता है? कमी। तो यानी 12% की कमी हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया से जवाब मिला है आप लोगों का, वेरी नाइस। इसी तरह से जवाब देते रहेंगे तो इससे अच्छी बात कौन सी है? दैट्स वेरी नाइस, आपको जवाब इस तरह से ही देने होंगे। तेजी से एक और सवाल आपके स्क्रीन पर लेता हूं, ये रहा। चलो बताओ, देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, चाहूंगा जवाब मिले इसका। क्या देंगे सवाल का जवाब आप? ओके, लेट्स सी। क्वेश्चन है आपके सामने कि 0677067667 दिन में बदलो, चेंज इनटू फ्रैक्शन। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है, एक मिनट रुकिएगा। चलिए तो यहां पर सवाल का जवाब देखते क्या मिलता है। सिंपल सवाल है आपके सामने, मैं चाहूंगा जवाब भी मिले। जीरो। अब ऐसे सवालों को करते समय हो सकता है कोई प्रॉब्लम आपके सामने आए, और ये सवाल सभी क्या कहलाते हैं, ये सवाल इंपोर्टेंट किस लिए? क्योंकि इनको परिमेय संख्याएं या फिर रेशनल नंबर कहा जाता है, रेशनल नंबर भी को कहते हैं। तो हम क्या समझे इसको, 0.676767, अगर ये अनंत तक जा रहा, इनफाइनाइट जा रहा, तो हम क्या करते हैं, 0.67 जो नंबर रिपीट है उसके ऊपर डंडा लगा दो, इसी को बोलते हैं बार, जो रिप्रेजेंट करता है कि 6767 किसमें रिक्यूरिंग नंबर हैं, यही बार बार चलेंगे। तो इन्हीं रिक्यूरिंग नंबर को हम ले लेते हैं। अब क्या करें, अब 67 यहां पर लिखा है, बस जितना लिखा है, कितने नंबर पर बार था,
छह और सात पर, जितने अंगों पर ये रिक्यूरिंग लगा है उसके लिए नौ लिखते हैं, बस सवाल हो गया। कितना आसान सवाल था, कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ जी, कोई इशू हो तो बताओ, वैसे तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इज इट ओके? ओके गाइज, वेरी नाइस। एक और सवाल चलो पढ़ते हैं, बिल्कुल इजी होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं इस सवाल के माध्यम से कि ओके, अपना टाइम आएगा। बहुत बढ़िया, एक और सवाल चलो। 920 में कम से कम क्या जोड़ी एक पूर्ण वर्ग हो, कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। 920 में कम से कम क्या जोड़ी कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो, कंप्लीट स्क्वायर हो। तो देखते हैं इसका जवाब आप मुझे क्या देते हैं। लेट्स सी व्हाट विल बी योर आंसर गाइस। चाहूंगा आपके जवाब मिले तेजी के साथ। तो यहां पर जवाब देख रहे हैं आप लोगों के क्या मिल रहे हैं, कमेंट सेक्शन खाली है और आपका जवाब तो थोड़ा सा बयाली है। ओके, बढ़िया बढ़िया जवाब आप लोगों के यहाँ मिल रहे हैं, दैट्स नाइस, वेरी गुड। और आप इस तरह से सवाल करते रहेंगे तो आपके सवाल जब हमेशा सही होते रहेंगे। बहुत बढ़िया, इस तरह से जवाब दीजिएगा तो लगता है मुझे कल्याण बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है आप लोगों का, लेट्स सी, देखते हैं आपका जवाब सी था तो क्या था, उसको भी देख लेते हैं और आपको जवाब देने की कोशिश करते हैं। देखिए समझिएगा, 920 की अगर मैं बात करता हूँ और 920 की अगर हम बात करते हैं तो 920 में क्या होता है, 920 किसके पास पड़ता है ये आप देखिए। सबसे जरूरी बात है कि 920 पड़ता किसके पास है, जिसके पास 920 पड़े बस उसी को उठा लो। और आपने क्या देखा, 920 किसके पास पड़ रहा था, आपने कहा सर 920 जो पड़ रहा था वो 900 के पास पड़ता है, 900 के पास पड़ता है। या आप कह सकते हैं कि सर 920 किससे कम पड़ता है, सर ये तो 941 से कम पड़ता है। यानी इस तरह से आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, और आपने अपना दिमाग लगाया और वैल्यू को पाया, और क्या पाया आपने, पाया ये कि भाई अगर मैं बात करता हूं 30 का स्क्वायर और मैं करता हूं 31 का स्क्वायर, यानी 920 जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में आती है ना। लेकिन 31 का स्क्वायर 900 होता है, 31 का स्क्वायर 961 होता है, ये तो होता है। अब इन दोनों में अगर उसने बोला है कि 920 में क्या जोड़े, भाई 920 को 961 बनाना तो क्या जोड़ना पड़ेगा, आपने कहा 41, और यही तो आंसर था। इजी है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, क्लियर है? ओके डन, बहुत बढ़िया से जवाब मिला है आपका, वेरी नाइस। अब बढ़ते हैं आगे और चीजों को आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो एक और सवाल मैं आपके स्क्रीन पर रख देता हूं, तैयार हो जाओ, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, और देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है उसके लिए, लेट्स सी। हाँ बहुत बढ़िया, एक और। कक्षा 31 छात्रों का औसत भार, एक कक्षा में 31 स्टूडेंट्स हैं उनका औसत भार 30 किलोग्राम है, यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि होगी, अध्यापक का भार कितना है? यानी औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि होगी तो अध्यापक का भार कितना होगा ये आपको बताना है। 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम, अध्यापक का भार भी इसमें जोड़ दिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि होगी तो अध्यापक का भार कितना ये आपको बताना है। देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का, इंतजार है आपके जवाबों का। तो देखो इन सवालों को करते समय हम आसानी से एक चीज का इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, वो क्या है देखते हैं। कक्षा 31 के छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है, कोई बात नहीं है, 31 स्टूडेंट्स थे उनका जो भार था वो 30 किलोग्राम लेते हैं, 31 छात्र औसत भार 30, ओके 31 छात्र हैं औसत भार हो गया 30। अब क्या करें भैया, जब 31 छात्रों का औसत भार 30 हो गया तो व्हाट वी विल डू, आप देखिए हमें पता है ना, अगर मैं औसत की बात करता हूं तो क्या होता है, योग बटे संख्या होती है, या मैं अगर यहां से योग की बात करूं तो योग क्या होगा, आपने कहा सर औसत गुणा संख्या और योग आ जाएगा, है ना, चलो कर लेते हैं। तो आपने क्या काम किया, अब 31 छात्रों का औसत भार 30 है, टोटल कितना हो गया, आपने कहा 31 गुणा 30 बराबर 930, ओके आपने कहा, तो भाई 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है अध्यापक का औसत। अब इसमें जब एक आदमी और जुड़ा तो ये हो गए 32, औसत भार में 500 ग्राम यानी आधा किलो का बढ़ोतरी हो गया, पहले 30 था 30.5 हो गया,
टोटल कितना बना? 32 मल्टीप्लाई बाय 30.5 यानी 976। अब क्या देखा आपने, 31 लोगों का कुल भार 930 और 32 लोगों का कुल भार जब मास्टर जी जुड़ गया तो 976। तो अंतर कितना बना भाई, अगर मैं 976 में से 30 930 घटा दूं तो 40 किलोग्राम का भार किसका आ गया है, आपके सामने आ गया। इज इट क्लियर नाउ? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई? किसी को भी प्रॉब्लम हो तो बहुत बढ़िया, आप सबने ऑप्शन भी दे दिया अभी, दैट्स वेरी नाइस। आप तो समझदार होंगे सारे बच्चे, बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ही है ना, चलो। सीमा तथा रीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 9:16 है तथा 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा, दोनों की आयु में कितना अंतर है ये आपको बताना है। तो देखते हैं, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा, दोनों की आयु में अंतर कितना है ये आपको बताना है। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सीमा एंड रीमा इज 9:16। आफ्टर 10 ईयर्स देयर एज रेशियो विल बी 2:3। वॉट इज द डिफरेंस इन द एज ऑफ टू बोथ ऑफ देम? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। आपके समक्ष रखे हैं 4 ऑप्शन, 10, 15, 12 या 14। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है भाई साहब आपका। ओके, देखते हैं, ये हो गई रीमा, ये हो गई सीमा। उसने कहा इनकी अनुपात जो है 9:16 का है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु 2:3 हो गई। अब देखते रहना, मैं दो तरीके से कराऊंगा सवाल, दोनों तरीके से समझना, ये शॉर्ट ट्रिक है। 9 और 16 का अंतर कितना है? 7। और 2 और 1 का अंतर कितना? 3 का 1। दोनों अंतर बराबर नहीं है तो हम उसको बराबर बना लेते हैं। कैसे? 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं और 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो कितना बना 9/16, ये कितना बना 7 × 14/21। अब देखो अंतर बराबर हो गया दोनों तरफ का, 9 और 7 16, 14 और 7 21 बराबर हो गया ना। तो सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू का डिफरेंस देखिए, कितना 14 में से 9 जाएंगे तो 5। अब क्वेश्चन ये है, आपके अकॉर्डिंग इन दोनों अनुपातों में 5 वर्ष का अंतर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में तो 10 वर्ष का आ रहा था, तो इस 5 को 10 कैसे बनाओगे? 2 की गुणा करके बस, सभी में 2, दैट इज 9 × 2 = 18, 16 × 2 = 32। तो सीमा की आयु 18, रीमा की आयु 32, दोनों का अंतर 14। तरीका नंबर एक तो ये था जो आपको समझ में आया। ओके, तरीका नंबर दो भी बताता हूं। तरीका नंबर दो क्या कहता है उसको भी समझ लो भाई। देखिए, तरीका नंबर दो कहता है कि भाई माना आयु एक्स है, तो रीमा और सीमा की आयु कितनी होगी? 9x/16x। 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, 10 जोड़ देते हैं ऐसे ना, आयु कितनी होगी? 2/3 हो गई। ऐसे तो करते हैं, इज इट क्लियर? अब क्या करें, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, ऐसे कर देते हैं। 9 × 27x + 30 = 32x + 20, यही हो जाएगा ना। अब इसको उधर भेजा, इसको उधर भेजा, बात तो वही है। तो 32 में 27 गए 5, x बराबर 30 में से 20 गया 10, x बराबर 2। तो इसकी आयु थी 9x, इसकी आयु थी 16x, तो कितनी हो गई? 9 × 2 = 18, 16 × 2 = 32, और दोनों का अंतर 14। इज इट क्लियर नाउ? तो आप शॉर्ट से भी कर सकते हैं। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। तो आप कैसे करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके मैंने आपको सिखा दिए। आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं और आप लॉन्ग ट्रिक से भी कर सकते हैं, चॉइस ऑलवेज बी योर्स। चलो एक और सवाल लिया जाए, एक सवाल और लें। ओके, एक किताब के मूल्य में 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य 4,600 रुपए है, इसका अंकित मूल्य कितना है? एक किताब के मूल्य में 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य 4,600 रुपए है, इसका अंकित मूल्य कितना है? ओके, व्हाट इज द राइट आंसर? देखते हैं इसका भी जवाब, देख लेते हैं भाई क्या है इसका जवाब, समझते हैं। देखो आप समझो, जो भी किताब पर मूल्य पड़ा होगा वो 100% होगा,
क्योंकि जब भी डिस्काउंट आपको देगा 100% करके, चाहे वो चीज 2700 रुपए की है, आप 10% डिस्काउंट मांगेंगे तो उसकी प्राइस भी मिलेगा जो उसका प्राइस पड़ा हुआ है। तो हम मानते हैं उसका अंकित मूल्य 100% है, उसने कहा इस पर 8% का डिस्काउंट मिल गया, तो टोटल कितने की मिल गई, वो 92% की है ना, चीज 92% की मिल गई ना उसको। उसने कहा 92% पर जब 8% डिस्काउंट हो तो रुपए में कितनी कीमत थी उसकी, 4600, यानी 92% का मूल्य 4600 है। तो पूछ रहा है 100% का वैल्यू कितना है, गुणा 100 बटा 92, कितना आसान सवाल है, 5 बार कट गया 50, 5000 रुपए, कितना आसान सवाल। हाँ जी आप बताओ आसान है कि इजी, क्या है बताओ आसान है कि इजी। ओके प्रीति मैं बहुत हौले हुले बताऊंगा, आप बताइए आसान है कि इजी, दोनों में से कौन सा आपको लग रहा है, बी। बहुत बढ़िया, 5000 रुपए। दोबारा से बताऊं, फिर से बताया जाए अगर आप कहेंगे तो फिर से बता देते हैं, इजी लगा है प्रतीक को, बहुत बढ़िया। फिर से बताया जाए अगर आप कहें तो फिर से बता देते हैं, इजी इजी। चलो एक और सवाल लेते हैं फिर, तो इजी लगा है तो वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, ये रहा आपके स्क्रीन पर। ओके यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है। इफ एन आइटम इज सोल्ड 10% प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ 5% लॉस, द सेलर वुड हैव गॉट ₹75 मोर, व्हाट इज द परचेज प्राइस ऑफ द आइटम। बड़ा ही आसान सवाल है, बहुत सारे तो ये सोच रहे होंगे सर जी हमें क्या मतलब, जो कमाएगा वो देखेगा कितना बेचना कितना लॉस लेना, हमें तो सिर्फ उत्तर देना है। तो समझो ऐसे सवाल को, जब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल मिले तो आप कॉस्ट प्राइस को 100% मानकर चलो, ठीक है ना। अगर देखो जब भी प्रॉफिट होगा जब भी लॉस होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होगा, तो 100 का कॉस्ट प्राइस कितना है 100, उस पर प्रॉफिट हो गया नहीं वो प्लस हो गया, तो उसको 5% हानि पर बेचते तो वो 5 - 5 करना पड़ता, 95% पर बेचते। उसने कहा 10% लाभ पर बेचो तो प्लस का 10 कर दिया तो ये 110% हो गया। अब सवाल क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 95% मूल्य पर बेचने की जगह अगर आप उसको 110% मूल्य पर बेचते हैं, 110% पर बेचते हैं तो आपको 75 रुपए ज्यादा मिलते हैं, रुपए में 75, और परसेंटेज में कितना, आपने कहा 15, 95 - 110 15 हो गया ना, तो यानी 15% किसके बराबर है, 75 के बराबर है ना, 15% किसके बराबर है, 75 के बराबर है, तो 15% इज इक्वल टू व्हाट, 75। तो भी 100% किसके बराबर, आपने कहा 15 × 75 500 के बराबर, कितना आसान सवाल था, क्लियर है। 15 कैसे बताते हैं, देखो समझो दोबारा से, फिर से समझना सवाल को, बहुत इजी है। देखो उसने कहा 100% की मेरी चीज थी, अगर ये प्रॉफिट में जाएगी तो प्लस होगा, तो 10% लाभ पर बेची उसने तो वो 110% की होगी ना, अगर वो लॉस में बेचता है तो माइनस होगा 5 का, लॉस में बेचा कितना होगा 95। अब सवाल क्या बना कि किसी वस्तु को 95% की जगह 110% पर बेचने पर 15 रुपए 75 रुपए ज्यादा मिलते हैं, है ना। तो क्या हुआ, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखें तो यानी कोई चीज 95% में थी, कुछ रुपए की जाती थी, उसको 110 रुपए का बेचे तो वो कुछ रुपए की गई, दोनों पैसों को घटाया तो 75 रुपए मिले, तो परसेंटेज में कितना अंतर आया, आपने कहा 110 - 95 = 115 है ना, तो 115% किसके बराबर है, 75 के बराबर। तो पूछ रहा है क्रय मूल्य 100% पूछ रहा है वो, 75 लिख देता हूं, 75 × 100/15 15 × 75 = 500, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आगे समझ में, वेरी नाइस, आप तो बड़े समझदार हो गए भाई, बहुत अच्छे से उत्तर देते हैं, दैट्स वेरी नाइस। एक और सवाल बढ़ते हैं लेकर के फिर आपके सामने, तो वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए रहा। चलो देखते हैं एक और सवाल, यदि एक्स बटा 5 बराबर वाई बटा 8 है तो एक्स प्लस 5 रेशो वाई प्लस 8 बराबर का मान बताओ क्या होगा, इफ एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू वाई अपॉन 8 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स रेशो 5 एक्स प्लस 5 रेशो वाई प्लस 8। ओके लेट्स सी व्हाट विल बी योर आंसर। तो ये सवाल भी बड़ा मुश्किल नहीं है, देखो
अगर मैं बोलता हूं एक्स बटा पांच बराबर वाई बटा आठ है ना, तो क्या देखें, अगर मैं आपसे एक बात कहूं, तो अगर मैं वाई को इधर लिया और पांच को उधर भेज दूं तो क्या बनेगा, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू फाइव अपॉन एट, ये बनेगा ना, इजी है। अब क्या करें भाई, बहुत तेजी से उत्तर मिला है, बहुत बढ़िया, तो आपको मिला पांच बटा, इसका मतलब अब तो रेशो बन गया ये, नहीं एक्स का वैल्यू पांच और वाई का वैल्यू व्हाट, बस सवाल में पुट कर दो, तो एक्स प्लस पांच अपॉन वाई प्लस एट, एक्स की जगह कितना पांच और वाई की जगह कितना 10/16। हाँ जी, अब इसको कर दूं, दो से डिवाइड, 2 5 10, 2 8 16, तो दैट इज 5:8। कितना आसान सवाल था, क्या करें, इतना आसान। अरे वकील कैसे हैं आप, बहुत दिनों बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है, आप ठीक हैं, आप बढ़िया हैं ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके, तो देखते हैं जब आप समझ में आ गया सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चलिए बहुत अच्छा लगा, आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, एक सवाल और। हाँ आपने उल्टा लिख दिया, इसको सीधा लिखना था, चलिए बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ और देखते हैं, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, क्या देते हैं इसका जवाब, क्या होंगे आपके आंसर, क्या होंगे आपके खास। ओके लेट्स सी, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, कोई धन साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए दिया गया, यदि ब्याज दर 3% तो 108 रुपये ब्याज में ज्यादा मिलते, तो मूलधन ज्ञात करो। देखता हूं सवाल को, आप में से कितने लोग कर सकते हैं। ओके अब आपके सामने जवाब है, सवाल है, तो देखते हैं क्या बवाल है। ओके लेट्स सी, ओके ओके तो देख लेते हैं, बहुत ही आसान तरीका, इसमें आप क्या करेंगे, सवाल को जब करते हैं आप क्या करते हैं, सबसे पहले दर निकालने की कोशिश करते हैं कि देखो दर कितनी आएगी, फिर आप निकालेंगे इसका मूलधन कितना होगा, देयर नो नीड टू डू, कुछ नहीं करने की आवश्यकता है, बड़ा ही आसान तरीका है, बड़ा कूल तरीका है, वो क्या है समझिएगा, कोई धन साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए दिया गया, कोई बात नहीं है, अगर ब्याज की दर, अब साधारण वर्ष की प्रॉपर्टी होती है क्या वो प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, वो बदलता नहीं है, हमेशा बराबर होता है, तो साधारण ब्याज हमेशा प्रत्येक वर्ष बराबर चलता है, तो साधारण वर्ष तो बराबर चला, तो 2 वर्ष के लिए दिया गया, तो उसने कहा पहले साल जो वृद्धि हुई 3% की हुई, तो दूसरे साल भी कितने की होगी, आपने कहा 3% की, भाई 2 साल में 3 + 3 बराबर कितना हो गया, 6% की वृद्धि होगी टोटल उसके धन में। अब पहले उसे 108 रुपये मिलते थे, वो कह रहा है अगर 6% और बढ़ा दिया जाए तो उसे कितने पैसे ज्यादा मिलेंगे, देखो ना अगर ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 108 अधिक मिलता, यानी ब्याज की दर अगर 6% होती बढ़ गई तो रुपये बढ़ गए 108। उसने पूछा है मूलधन 100% कितना है, तो शायद आप आराम से कर पाए, 6 × 6 = 48, 1800 रुपये, इज इट क्लियर, कितना आसान सवाल था, नहीं तो आप क्या करोगे, माना धन एक्स बराबर एक्स रुपए, उसके बाद दो धन दो सर्वास के लिए एक्स गुणा दो और 3 साल का ब्याज निकाला, दोनों का अंतर करोगे तो 108 के बराबर रखोगे, तब इसका सवाल निकालोगे, है ना, तो क्या समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्लियर, समझ में आया, कोई इशू किसी को हो तो मुझे बताओ, आसान है सवाल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर से बता देता हूं एक बार, अगर प्रॉब्लम है तो बहुत इजी था, हो सकता है मेरे बहुत सारे दोस्तों को जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, देखो
प्रत्येक साल 3 बढ़ता है, तो पहले साल में 3% का ब्याज मिला, दूसरे साल में भी 3% का ब्याज मिला, टोटल 6% ब्याज एक्स्ट्रा मिला। और इस ब्याज को 6% मिलने के लिए आपको 108 रुपये मिले, रुपये में मिले 108 रुपये। हो गया सवाल, जब 6% का वैल्यू 108 था तो आपको 100% का वैल्यू निकालना था, 6 से अब 108 मल्टीप्लाई बाई 100 बटा 6, 1800 रुपये। अभी क्लियर है? हाँ ओके, बहुत बढ़िया। एक और सवाल लेते हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, इसको भी देख लेते हैं सवाल का जवाब क्या देते हैं। एक आयताकार भूखंड की लंबाई 40 मीटर है, वह चौड़ाई 30 मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई बताओ। ओ ओ ओ, कितना आसान सवाल आपको मिल गया है, लेट्स सी, देखते हैं इसका जवाब क्या मिलता है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई 40 मीटर व चौड़ाई 30 मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी ये आपको बताना है। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 40 मीटर एंड विड्थ 30 मीटर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। ओके लेट्स सी, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ओके तो देखते हैं, एक आयताकार भूखंड ये रहा भाई साहब। ओके अब क्या करें, उसने कहा इसकी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ये वाली लंबाई पूछ रहा है उसे। अभी क्या देखते हैं हम इसका जवाब, 40 मीटर और 30 मीटर यहां पर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी आपको देखना था। अब विकर्ण कहाँ है देखते हैं इसको भाई, 40 40 30 30, अब ये तो समकोण त्रिभुज बन गया ना ऐसे, ये वाला ए बी सी डी, तो ए बी सी ये हो गया ना। अब आपको ए बी पता है 30 है, ये 40 है, इसका वैल्यू क्या होगा आपको याद आया होगा पाइथागोरस प्रमेय से, बहुत बढ़िया। हाँ पाइथागोरस से ही होगा बिल्कुल, आप ट्रिपलेट निकाल सकते, 50 का होता है, या आप ऐसे भी कर सकते थे कि सपोज ये एच है तो इसका वर्ग क्या होता है 30 का वर्ग जमा 40 का वर्ग, ऐसे भी कर सकते हो, तो एच बराबर 900 जमा 40 का वर्ग 1600, दैट इज 2500 का स्क्वायर रूट जो 50 होता है। आप ट्रिपलेट से भी निकाल सकते हो, आप क्वेश्चन से भी कर सकते हो। वो संडे में होगी अब क्लास, मेरे हिसाब से संडे में लूंगा उस पर क्लास, अभी मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ और समय नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी 1 मिनट का, जिससे कि मैं कोई क्लास और अरेंज कर पाऊँ। डोंट वरी, बहुत जल्द संडे से शुरू करूंगा स्पेशल क्लास, तब तक आप यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं। ओके ओके बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल। ओके ओके वकील, बहुत बढ़िया, तो एक और सवाल लेता हूं आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन है, 81 टू द पावर -1/4 किसके बराबर है, देखते हैं 81 की पावर 1/4 किसके बराबर होगा, 3 -3 1/3 या -1/3। 4 ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं, एक है 3, दूसरा है -3, तीसरा है 1/3 और चौथा है -1/3। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने था, आपको जानना था 81 to the power -1/4 का वैल्यू, तो देख लेते हैं भाई आपका जवाब क्या मिलता है, लेट्स सी। तो देखो समझो, मैंने आपको पहले ही बताया था 81 की पावर क्या है, ये लिखा है, ये लिखा है -1/4, और मैंने बताया जब भी आप पावर को प्लस करना चाहें तो ये ऐसे हो जाएगा। ओके अब क्या करें, अब ये 3 का पावर था 81, 4, 1/3 की पावर 4 की पावर 4, 4 से 4 कट गया 1/3। कितना आसान सवाल था बताओ, कितना आसान सवाल था, आप लोगों ने सबने गलत कर दिया। सी इज द राइट ऑप्शन, दैट इज आंसर इज 1/3। इसको और तरीके से भी मैं बता सकता हूं आप लोगों को, देखते हैं कैसे बता सकते हैं। देखो 81 की पावर ये था ना, तो इसका 3 की पावर 4 की पावर
माइनस का 1/4। आप इसको कैसे कर सकते थे, 3 की पावर 4 गुणा माइनस भार ले लो 1/4, 4 से 4 कट गया, तो 3 की पावर -1, और 3 की पावर -1 क्या होता है, 1/3। आप इस तरह से भी कर सकते थे, ठीक है ना, अभी समझ में आया, आप ऐसे भी कर सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते थे, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझ में आ गया सबको सवाल, ऐसा कोई मेरे साथी जिसको समझ में ना आया हो, इज इट ओके, क्लियर है, क्लियर, आगे बढ़ूं, एक और सवाल ले लिया जाए फिर, तो तैयार हो गए सब लोग, ओके सब तैयार हैं, तो एक और सवाल आपके स्क्रीन पर मैं पुट कर रहा हूं, उसको भी देखते हैं, बढ़िया, एक और सवाल, चलो बताओ, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 3√2 है, उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करो, क्या होगी, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई आपके सामने दी है, आपको उस वर्ग की लंबाई ज्ञात करनी है, भुजा की कितनी होगी, ऑप्शन, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 3√2, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्म 18, चलिए 18 मिला है मुझे, सबसे पहले आंसर 18 मिला है, बहुत बढ़िया, तो देखो ये होता है वर्ग जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ये होता है इसका विकर्ण, ये सारी भुजाएं ए ए होती हैं, और वर्ग का विकर्ण होता है a√2, है ना, वर्ग का विकर्ण a√2 तो होता है, जो दिया है √2, अगर मैं a का वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, 3√2/√2, दैट इज 3, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर इसके आगे 3√2 लिखा तो 3 ही इसकी भुजा है, अगर इसकी भुजा 3 है तो 3√2 इसका विकर्ण होगा, √2 की मल्टीप्लाई करने से भुजा विकर्ण और विकर्ण भुजा बन जाता है अगर 3 का डिवाइड करते हैं, इज इट क्लियर, ओके बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई अगर आपको दी है, अगर आप √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे भुजा में तो आपको डायगोनल मिल जाएगा, और अगर आप डायगोनल में √2 का डिवाइड कर देंगे तो वो आपकी भुजा बन जाएगी, इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, भी किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो, ओके चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, तो भाई अभी जो है मेरा नेट थोड़ा सा अब फिर प्रॉब्लम करने वाला है, नेट बंद होने वाला है, तो आज के लिए मैं इतना ही सेशन रखूंगा, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में कल मुलाकात होगी आपसे फिर दोबारा से, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने का, 15 सवाल हमने आज कराए हैं, नेक्स्ट सेशन में और धमाकेदार सवाल लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा, तो दीजिएगा इजाजत, नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दें, थैंक यू, और हाँ आप जो कह रहे हैं वो बता देता हूँ मैं आपको, 5 बजे कल से स्टार्ट होंगी क्लास, 5 PM आप जुड़ सकते हैं, ओके, तो कल 5 बजे से आपका सेशन शुरू हो जाएगा, तो कल से 5 बजे मुलाकात करते हैं इसी जगह इसी प्लेटफॉर्म पर, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, नमस्कार, और LKR Live ये मेरा रेफरल कोड है, आप इसको यूज कर सकते हैं, पा सकते हैं 10% का डिस्काउंट किसी भी मंथ के सब्सक्रिप्शन पर, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू गाइज़।